फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहीं फिर हम पिंजरे में कैद एक बड़े चूहे को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट के कारण अपने आकार से बड़ा हो गया था, जिसके बाद पीटर घर आ जाता है जहां उसकी पत्नी लिंडा जो एक डॉक्टर है वो पीटर से कहती है कि तुम अपने काम के कारण खुद को भी समय नहीं दे पा रहे हो, इसलिए तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तभी फिर लिंडा को हॉस्पिटल से फोन आ जाता है, इसलिए वो वहां के लिए निकल जाती है। पीटर भी फिर से लैब आता है पर वो चूहा पिंजरे में नहीं था, जिससे पीटर एकदम घबरा जाता है और फिर वो अपनी गन निकाल लेता है कि तभी वहां वो चूहा आ जाता है जो अब एक इंसान की जितना बड़ा हो चुका था, जो देखते ही देखते उस पर हमला करके उसे निर्दय तरीके से मार देता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगली सीन में हम एक जूलॉजिस्ट एलन और उसकी पत्नी जेना को देखते हैं, जहां उन दोनों के रिश्ते ठीक ना होने के कारण दोनों का डिवोर्स हो गया है और जेना अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अब एलन भी अपने असिस्टेंट जूलिया के साथ पीटर के घर आता है जहां उन्हें पुलिस वालों ने बुलाया था पीटर की हत्या के मामले में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये हत्या किसी भालू ने की है। अब अंदर प्रवेश करने पर उन्हें पीटर का मृत शरीर दिखाई देता है जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। शव को देखकर एलन कहता है कि ये काम भालू का नहीं हो सकता क्योंकि भालू शहर के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए जिसने भी इसे मारा है वो शायद घर के अंदर ही था। एलन अब ऑफिसर से कहता है कि मुझे कुछ सैंपल्स लेने होंगे जिससे शायद हम कुछ पता लगा सके, जिसके बाद एलन एक पुलिस ऑफिसर नॉर्टन और एक डिटेक्टिव मैकेना के साथ इस केस के सिलसिले में लिंडा से बात करने आते हैं, जहां वो उसे उस रात के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि उस रात में हॉस्पिटल में थी लेकिन बात करते समय लिंडा को कई बार छींक हो रही थी, जिस पर सभी को अब शक होता है। नॉर्टन अब कहता है कि एलन तुम्हारे कपड़े का सैंपल लेना चाहते हैं और फिर वो सैंपल देने के लिए मान जाती है। अब एलन नॉर्टन और मैकेना के पास आकर कहता है कि लिंडा पर किसी तरह का रिएक्शन हुआ है इसलिए वो छींक रही है, और जब से पीटर की हत्या हुई है तब से उसने स्नान नहीं लिया है, तो शायद कपड़े के सैंपल से हमें पता चल जाए कि पीटर की हत्या किसने की है। जिस पर नॉर्टन भी कहता है कि मुझे लिंडा में कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लैब में पीटर के रिसर्च पेपर्स को किसी ने इधर उधर कर दिया था और उसमें से कुछ तो गायब भी थे, लेकिन एलन उन्हें अभी कोई फैसला लेने से मना कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कचरा फेंकने आती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ वही विशाल चूहा आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से नीचे गिर जाने के कारण उसे चोट लग जाती है और वो अब आगे नहीं बढ़ पाती। वो कैसे तो अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो विशाल चूहा उसे भी बुरी तरह से मार देता है। अब रात को लिंडा एलन को फोन करके अपने घर बुलाती है जहाँ से वो उसे लैब में ले जाती है, और अब वो कहती है कि जब पीटर जीवित थे तो वो मुझे यहाँ नहीं आने देते थे और अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये सारी दवाइयाँ मिली। पीटर पहले कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे जो अब वो भी यहाँ नहीं है। अब एलन को वहाँ कुछ दवाइयों का मिक्सचर, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन और यूरेनियम आइसोटोप्स मिलते हैं जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो अब कहता है कि तुम्हें ये सब मुझे नहीं बल्कि ऑफिसर्स को दिखाना चाहिए था, लेकिन वो कहती कि मुझे उनके सामने अनकंफर्टेबल लगता है इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। इसलिए इसके बाद वो दोनों रेस्ट रूम में आ जाते हैं जहां लिंडा एलन से कहती है कि मेरी माँ की कुछ समय पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी और अब पीटर के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस हत्यारे को पकड़ना चाहती हूँ, जिस पर एलन उसका धन्यवाद करता है। अब अगले दिन वो नॉर्टन, मैकेना और एक लेडी ऑफिसर चेंबर से मिलता है जहाँ वो उसे उस लड़की की फोटो दिखाते हैं जिस पर चूहे ने हमला किया था। वो अब कहते हैं कि इसका हत्या और पीटर की हत्या एक ही तरह से की गई है। एलन अब कहता है कि मैं लिंडा के घर गया था जहां मुझे पता चला कि पीटर चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता था और वहां मुझे ग्रोथ हार्मोन्स की दवा भी मिली। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा चूहा है जो शहर में घूम रहा है, इसलिए हमें शहर को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पर नॉर्टन कहता है कि हम शहर को लॉकडाउन नहीं कर सकते वरना लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी कि शायद शहर में कोई खतरनाक जानवर घूम रहा है और अभी तक कंफर्म भी नहीं है कि ये चूहा ही है। वहीं तुम हमें बिना बताए लिंडसी के घर कैसे गए, आगे से ऐसा मत करना। अब दूसरी तरफ एलन जूलिया के साथ लिंडर के घर आता है ताकि वो उसे चूहे के बारे में बता सके, पर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने वो अपनी गन निकाल कर ऊपर के कमरे में जाता है,
पर तभी पीछे से वही चूहा उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी गन गिर जाती है और अब वो उसे बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो चूहा उसे घायल कर देता है। पर फिर भी वो कैसे तो करके घर से बाहर आने में सफल हो जाती है जिसके बाद जूलिया उसे हॉस्पिटल लेकर आती है जहां उसे बाकी ऑफिसर्स मिलने आते हैं। एलन अब कहता है कि वो एक इंसान जितना बड़ा चूहा है और ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखा और वो शायद इसलिए घर में आया था क्योंकि वो उस घर को अपना घर समझ रहा है। वो ऑफिसर से थोड़े समय की विनती करता है कि मैं लिंडा के घर जाकर चेक करूंगा कि आखिर ये कैसे बना और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। जिस पर अब नॉर्टन कहता है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं उस चूहे को मारने के लिए जिसके बाद हमें FBI को बुलाना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो मैकेनिक के पास आकर कहती है कि मुझे जल्दी में कहीं जाना है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है इसलिए तुम उसे ठीक कर दो। मैकेनिक फिर उसे ठीक करने जाता है लेकिन तभी उसके सामने वो चूहा आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। वहीं इधर वो लड़की काफी समय से मैकेनिक के ना आने पर उसे देखने अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है वहां उसे वो मैकेनिक दिखाई देता है जिसे वो चूहा खा रहा था जिससे देख उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। वही अब वो चूहा उसे देख लेता है और अब उसके भी पीछे पड़ जाता है और अंत में उसे भी बुरी तरह से मार देता है। अब वहीं हम एलन को देखते हैं जिसे नॉर्टन फोन करके अपने ऑफिस बुलाता है और एलन के वहां आने पर वो उसे मैकेनिक और उस लड़की की हत्या के बारे में बताता है जिस पर अब एलन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि शहर को लॉकडाउन कर दो। पर नॉर्टन बचाव में कहता है कि जितना आसान बोलने में है पर करने में उतना ही मुश्किल है और अब ये केस हमारे हाथ से भी निकल गया है इसलिए हम केस FBI को सौंप रहे हैं और तुमने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। अब ये सुनकर एलन परेशान हो जाता है जिसके बाद वो लिंडा को आकर खबर करता है कि उस चूहे ने और भी हत्या की है। हम तुम्हारे घर जाकर वहाँ एक जाल बिछाएंगे जिसमें वो फंस जाएगा। अब इसके बाद हमें एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ नॉर्टन अपनी पत्नी के साथ होता है कि तभी जब किचन में एक फीमेल शेफ कचरा फेंकने जाती है तो वहाँ उसे चूहे की आवाज सुनाई देती है। वहीं कुछ कचरा डस्टबिन के बाहर भी गिरा था जिसे वो उठाने लगती है लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ लिक्विड सा गिरता है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है वहाँ वो ही चूहा था जो उस पर देखते ही देखते हमला कर देता है। इसलिए वो दूसरे शेफ को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसके कान में ईयरफोन होने के कारण वो नहीं सुन पाता पर भाग्य से वो उसे देख लेता है इसलिए अब चूहा उसके ही पीछे लग जाता है और उसके मुंह पर नाखून से हमला करके उसकी भी जान ले लेता है। वहीं अब वो फीमेल शेफ किचन से बाहर आ जाती है और उसके पीछे वो चूहा भी पहुंच जाता है जो उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है जिसके बाद वो सभी पर हमला करने लगता है। नॉर्टन अब उसे गोली से शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उस पर भी हमला करके उसके शरीर के अंग को बाहर निकाल देता है जिससे नॉर्टन की भी मृत्यु हो जाती है। अब वहीं घर में एलन किसी तरह का केमिकल बना रहा होता है जिसके बाद लिंडा उसके घाव पर दवा लगाकर उसकी पट्टी चेंज कर देती है जिसके कुछ समय बाद वो सो जाता है और अब जब उसकी आंख खुलती है तो दरवाजे पर मैकेना और चेंबर होते हैं जो उसे TV न्यूज देखने को कहते हैं और जब एलन न्यूज देखता है तो उसमें बताया जाता है कि शहर में एक खतरनाक चूहे जैसा क्रीचर घूम रहा है जिसने कई लोगों को मार दिया इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि शहर को लॉकडाउन किया जाए। मैकेना अब सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इस चूहे को मारने का क्योंकि चूहे का आतंक बढ़ते ही जा रहा है और उससे लड़ते हुए नॉर्टन भी मारा गया। इस पर अब एलन कहता है कि मैंने यहाँ एक जाल बिछाया है जिसके बाद वो मैकेना को अपनी कार के पास लेकर आता है और उसे कुछ हथियार दिखाता है लेकिन मैकेना कहता है कि मैं उसे गन से ही मारूंगा कि तभी उन्हें चूहे की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो दोनों तुरंत घर के अंदर आ जाते हैं। एलन अब सभी को हथियार देकर खुद घर के बाहर आ जाता है ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके और उसे अपनी जाल में फंसा सके पर लिंडा उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसे अंदर से दरवाजा बंद कर लेने को कहता है पर तब तक वो चूहा पहले ही घर के अंदर पहुंच चुका था जो अब बाकियों का भी शिकार करने लगता है जिससे सभी डरकर भागने लगते हैं। जूलिया भी अपनी आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वहीं इधर एलन को भी मालूम हो जाता है कि वो चूहा घर के अंदर है
पर दरवाजा लॉक होने के कारण वो खिड़की से अंदर आ जाता है। पर अब उसके सामने लिंडा उस पर गन तान कर कहती है कि तुम यही रुको, उस चूहे को मैं ही मारूंगी, और ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। अब वो चूहा चेम्बर के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो खिड़की से होकर घर के बाहर आ जाती है, पर वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और अब भागते हुए लैब में आ जाती है और एलन का बनाया हुआ केमिकल चूहे के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो उसी चूहे के पिंजरे के अंदर छिप जाती है। लेकिन वो चूहा पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और चेम्बर जब वहीं रखे चाकू को उठाने की कोशिश करती है तो वो चूहा उसका हाथ पकड़ के उसके शरीर से अलग कर देता है। तभी फिर वहाँ लिंडी आकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन इससे उस पर कुछ असर नहीं होता। वहीं अब घर में जूलिया को लिंडा की एक डॉक्यूमेंट फाइल मिलती है, जिसे लेकर अब वो एलन के पास आ ही रही होती है कि उसे वो चूहा एक कमरे में दिखाई देता है जो चेम्बर को कच्चा निगल रहा था। पर वो कैसे तो चालाकी से दरवाजा बंद करके एलन के पास आकर उसे एक शॉकिंग जानकारी देती है कि इस चूहे को म्यूटेट पीटर ने नहीं बल्कि लिंडा ने किया है। वो अपनी माँ का इलाज करने के लिए किसी तरह की चीज बना रही थी, जिसका टेस्ट उसने चूहे पर किया, पर वो चूहा आजाद होकर पीटर को मार दिया। और फिर तभी वहाँ लिंडा भी आ जाती है। एलन अब उससे सच्चाई बताने को कहता है, जिस पर अब वो रिवील करती कि मेरी माँ को कैंसर हो गया था और मैं उन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, लेकिन वो अंत में नहीं बच पाई, इसलिए मैंने एक एंटीडोट बनाया ताकि जैसी मेरी माँ की मृत्यु हुई वैसे किसी और की ना हो। वो एंटीडोट दरअसल शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स को कम कर सकता था और इसका प्रयोग मैंने उस चूहे पर किया, लेकिन ये एंटीडोट ऑपोजिट था, ये सेल्स को कम करने के बजाय उसे बढ़ाने लगा, इसलिए वो चूहा आकार में बहुत विशाल हो गया और उसने पीटर की जान ले ली। इसलिए मैं अकेले उस चूहे को मारना चाहती हूँ ताकि वो किसी और की जान ना ले सके। पर अब पीछे से मैकेना आकर लिंडी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद एलन सभी को बाहर जाने को कहता है और अब वो अपना बनाया हुआ केमिकल गैस के फॉर्म में उस कमरे में छोड़ देता है जहाँ वो चूहा था। और अब सभी घर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और चूहा उस पर हमला करके उसे मार देता है। पर वही मौका देकर सभी घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूहा अब और भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक बन जाता है, जिसे देख अब सभी की हालत एकदम पतली हो जाती है, इसलिए अब वो वहां से दुम दबा के भागने लगते हैं। लेकिन वो वहां भी आकर मैकेना को भी खा जाता है और अब वो जूलिया की तरफ बढ़ रहा होता है और दुर्भाग्य से भागते हुए उसे चोट भी लग जाती है। पर भागे से वहां एलन आ जाता है और वहीं अचानक में वो चूहा तड़पने लगता है। एलन अब कहता है कि उस केमिकल से इसकी सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और जब इसका शरीर इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा तो ये खुद में ही विस्फोट हो जाएगा, जो शायद सच निकलता है क्योंकि अब उस चूहे में से बिजली जैसी चीज निकलने लगती है, जिसके बाद वो खुद में ही भयानक विस्फोट हो जाता है, जिसका खून एलन और जूलिया पर गिर जाता है। अब वो दोनों फिर से घर आ रहे होते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, पर रास्ते में उन्हें फिर से कई सारे म्यूटेटेड चूहों की आवाज ही सुनाई देने लगती है, यानी कि उस चूहे ने अपना परिवार बना लिया है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वेल, अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी थोड़ी अलग तो थी, पर इसका म्यूटेटेड चूहा उतना खास नहीं था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई इंसान सस्ता वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, बट इससे ज्यादा हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते एक लो बजट फिल्म से। वहीं रही बात मूवी देखने की, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को ना देखें। वहीं एट द सेम टाइम अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।